तो गाइड हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स, हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हमने देखे थे पहले जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने देखे थे वो था माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड डिमाइलिनेटिंग नर्व फाइबर जो हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके दो टाइप्स थे, सोमैटिक और विसरल जो था। तीसरा हमने देखी था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसके दो थे, क्रैनियल नर्व फाइबर्स एंड स्पाइनल नर्व फाइबर्स। ये भी हमने देखे थे, स्पाइनल नर्व फाइबर्स भी देखा था। तो उसके बाद हम आ रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे नर्व फाइबर्स की। तो हमारा वीडियो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से रह गया था, तो अब हम इस पार्ट में कवर कर रहे हैं वो आगे का। इसमें हम देख रहे हैं जो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन दो है, फंक्शनली भी ये टू टाइप्स का है, एक है सेंसरी, दूसरा है मोटर। अब जो सेंसरी है उसका नाम दूसरा हमने बताया था, उसका एफरेंट नाम भी है, और जो मोटर है मोटर को हम एफरेंट भी कहते हैं, एफरेंट और मोटर। अब एफरेंट क्या होता है, एफरेंट होता है लाने वाला, सेंसरी लाने वाला, किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ स्टिमुलेट आ गया तो वहाँ से आ रहा है कहाँ, ब्रेन की ओर, ये होता है एफरेंट इन फंक्शन या सेंसरी इन फंक्शन, मतलब ब्रेन की तरफ ला रहा है, बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ ला रहा है। और जो मोटर होता है, मोटर का फंक्शन क्या होता है, मोटर का फंक्शन होता है ब्रेन से ले जाना बॉडी पार्ट्स की ओर, ब्रेन से ले जाना। एफरेंट होता है ब्रेन की ओर, एफरेंट होता है जैसे हम कहते हैं एफरेंट, ई मतलब एग्जिट जाना, तो ई से याद रख लो एग्जिट ले जाने वाला, एफरेंट मोटर नर्व फाइबर्स होता है। तो आसान है, फाइबर्स कैरी सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, CNS हम कहते हैं उसे, तो ये सेंसरी होता है। अब मोटर क्या होता है, मोटर होता है फाइबर्स कैरी मोटर इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स। तो ये है फंक्शनल क्लासिफिकेशन इसकी। अब इसके बाद जो है सिक्रेटरी क्लासिफिकेशन, मतलब जो नर्व फाइबर है वो सिक्रेट क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी दो टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फाइबर्स आर आ टू टाइप्स। इसके बेसिस पे भी दो टाइप्स है, एक है एडिनर्जिक नर्व फाइबर, दूसरा है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। अब एड्रिनर्जिक नर्व फाइबर क्या है, फाइबर सिक्रेट नॉन एड्रेनालिन, जो नॉन एड्रेनालिन सिक्रेट करते हैं उनको हम कहते हैं एड्रिनर्जिक, और जो एस्टाइल कोलिन रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स। ये इसकी सिक्रेटरी क्लासिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट है, आगे फिर पढ़ेंगे हम ये। इसके बाद जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ एग्जॉन, डायमीटर ऑफ एग्जॉन या एग्जॉन नहीं, डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर हम कहते हैं, या कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इसका दूसरा नाम हम कहते हैं एलेंगर गेसर क्लासिफिकेशन, एलेंगर गेसर क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, एरलेंगर गेसर क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। अब हम इसमें देख रहे हैं, एक तो हम देख रहे हैं डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर, दूसरा हम देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, कितना तेज़ कंडक्ट हो रहा है कुछ। तो उसी बेसिस पे तीन टाइप्स है, एक है पहला जो है वो है टाइप ए नर्व फाइबर। जो टाइप ए नर्व फाइबर होता है ये थिकेस्ट होता है, ये थिकेस्ट होता है। अब यहाँ क्या होता है, थिकेस्ट है तो हमारे मतलब जो कॉमन सेंस कहती है थिकेस्ट मतलब वेलोसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, जो थिकेस्ट है वो वेलोसिटी हाईएस्ट देता है, वेलोसिटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, जितना ये थिक होता है उतना ये वेलोसिटी देता है। यहाँ थिकनेस जो है, थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन। तो टाइप ए जो है वो थिकेस्ट है, जिसकी वजह से वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इसी में होती है। अब टाइप टू, टाइप बी हम इसे कहते हैं, टाइप बी फाइबर्स जो हैं ये मीडियम होते हैं साइज़ में, और जो सी है वो सबसे थिनेस्ट होता है। अब ए और सी के दरमियान होता है बी वाला, बी वाला मीडियम होता है साइज़ में भी, और ये डायमीटर में भी मीडियम होता है, और स्पीड भी इसकी इन दोनों के दरमियान होती है, मतलब ए से कम ही होती है, सी से ज़्यादा होती है। जो सी है, सी सबसे थिनेस्ट है, जो थिनेस्ट की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने पहले ही बताया डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
स्पीड, अब जब डायमीटर ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है, यहाँ डायमीटर सी में सबसे कम है तो स्पीड स्लोवेस्ट है। अब जो टाइप ए है, टाइप ए के चार टाइप्स और हैं, जो टाइप ए है टाइप ए के फर्दर चार टाइप्स हैं, उनको हम कहते हैं टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गामा और टाइप ए डेल्टा। बस आप इतना ही अभी याद रख लो, आगे हम ये फिर देखेंगे, हमने इसको आगे थोड़ा इलाबरेट फिर करना है ताकि हम आगे की बातें और समझ जाए। अभी जो हमने पहले देखा था, जो ये पार्ट हमारा रह गया था क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स का, जो हमने आधा कल किया था और आधा आज कर रहे हैं, तो पहले लेक्चर में भी आधा ही रहा था, आज भी आधा है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक अब हमने पढ़ना है, वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।